नाबालिग बच्ची के साथ कई सालों से हो रहे सेक्सुअल असॉल्ट की सूचना मिलने के बाद पटना से भागलपुर पहुंची बचपन बचाओ एनजीओ की टीम ने भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के जब्बारचक मस्जिद मैदान के समीप निवासी डॉक्टर मोहम्मद परवेज अख्तर के घर से एक लड़की को बुधवार को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की रहने वाली है। नाबालिग को पिछले कई सालों से डॉक्टर परवेज अख्तर अपने घर में रखे थे। नाबालिग को परवेज अख्तर के घर से मुक्त करने के दौरान जहां पुलिस और एनजीओ की टीम को मशक्कत करनी पड़ी, वहीं कवरेज करने के दौरान डॉक्टर परवेज अख्तर के परिजनों ने पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की। हालांकि नाबालिग लड़की को मुक्त करने के दौरान डॉक्टर के परिजनों ने पुलिस को बंधक बना लिया, लेकिन पुलिस ने इस बात को लेकर इनकार किया है कि बंधक नहीं बनाया गया। मामले को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। ये सूचना मिली थी कि बच्ची वहाँ नहीं रहना चाह रही है, बच्ची को जो जबरदस्ती करके रखा जा रहा है, मारपीट वगैरह किया जा रहा है। बच्ची ये भी कंप्लेंट की थी, बच्ची के तरफ से भी आया था क्या कि उसके साथ कुछ मतलब ना जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो सारी चीजें मतलब एक शोषण के रूप में हुई थी। ततारपुर में एक बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए एक जो सदस्य है उनके द्वारा बताया गया फोन के माध्यम से कि एक बच्ची है जो है उसके साथ जो श्रम जो कि उसके पिता का देहांत हो गया था और माता जी दूसरी शादी कर लेने के कारण जो है वो कहीं उसके मासी के द्वारा किसी काम के लिए घरेलू काम के लिए किसी व्यक्ति के यहाँ उसको रखा गया था। तो बचपन बचाओ आंदोलन को एक सूचना प्राप्त हुआ कि उनके साथ बच्ची के साथ उत्पीड़न की जो शिकायत प्राप्त हुई है उनको, तो जैसे ही उन्होंने बताया आज तकरीबन लगभग 12 बजे बताया, हम लोग आधे घंटे के अंदर भी इसमें कार्रवाई करते हुए जो बच्ची को बरामद कर लिए हैं और बच्ची को CWC जो कोर्ट है चाइल्ड वेलफेयर को, हाँ वहाँ पे हम लोग ले जाएंगे और बच्ची का बयान दर्ज होगा और बयान के अनुसार फिर उसमें अगर जो उसमें निर्देश प्राप्त होता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। भागलपुर के सदर अस्पताल में एएनएम के पद पर कार्यरत महिला की बाजार जाने के दौरान चोरों ने बैग से पैसा निकालने की कोशिश की। इस दौरान एएनएम अर्चना कुमारी के भाई ने चोर को पैसा निकालते देखा, जिसके बाद उसे दौड़कर पकड़ लिया। घटना स्टेशन चौक के समीप की है। इधर चोर को पकड़कर लोगों ने जमकर धुनाई की, जिससे घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा का सामान लेने के लिए एएनएम मार्केट जा रही थी, इसी दौरान सुजापुर मार्केट के समीप चोरों ने बैग से पैसा निकालकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद युवक को खदेड़कर पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रास्ते में हम लोग जा रहे थे, पीछे से बैग से 100 रुपए का नोट निकाल के पैसा निकालने का काम करता है। कहां में हुआ? स्टेशन चौक पे है, जो हम लोग सुजागंज की तरफ मार्केट की तरफ जा रहे थे मार्केट में सामान खरीदने के लिए। ये लड़का पीछे से आया, बैग से पैसा निकाल के गायब होने लगा। कितना पैसा था? 500 रुपया था। अच्छा, अभी और पैसा अंदर था जो कि निकालने में असक्षम रहा, जिसके कारण ये भाग रहा था। कहाँ से आप आ रहे थे? हम लोग पर्वती से आ रहे थे, अभी मार्केट के लिए दुर्गा पूजा का मार्केट में निकले हुए थे। भागलपुर के इसाकचक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 100 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर बुधवार को सिटी एसपी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से छापेमारी अभियान चलाई जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के बरहपुरा पुल के समीप टाटा वाहन पर सवार 3 तस्कर ब्राउन शुगर लेकर जा रहे हैं। इसी दौरान छापेमारी टीम में शामिल DIU एवं इसाकचक पुलिस के सहयोग से तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 100 ग्राम ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल, 1 चार पहिया वाहन, 16,700 रुपए नगद बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अक्सर अली के पुत्र शहनवाज उर्फ सन्नी खटाल, खलीक के पुत्र मोहम्मद शाहिद एवं अनु के पुत्र मोहम्मद मासीन के रूप में हुई है। इधर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर हिरासत में भेज दिया है। इसके द्वारा ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है, जिसमें इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत DIU की टीम के सहयोग से और थाना की जो टीम है इन दोनों ने अच्छा कार्य करते हुए लगभग 100 ग्राम की ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। इसमें 4 मोबाइल, 1 चार पहिया वाहन जिससे इसका ट्रांसपोर्टेशन जो टाटा टियागो है और नगद 16,700 रुपये बरामद किया गया है। इसमें गिरफ्तारी जो प्रमुख इसमें जो अभियुक्त है जिसके द्वारा ये गिरोह का संचालन किया जाता था, इसका नाम शहनवाज उर्फ सन्नी खटाल है, जो कि इसके पिता अफसर अली जो कि बरहपुरा का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद साहिद, पिता मोहम्मद खालिद। तीसरा मोहम्मद मासीन, पिता एनुल हक
तवहलपुर रेलवे लाइन थाना लोदीपुर का। ये तीन अभियुक्त एक गिरोह का संचालन कर रहे थे, जिसमें गिरोह में यह मुख्य रूप से सनी खटाल का संचालन करता था। ये ब्राउन शुगर सप्लाई वहाँ से बंगाल से मंगाता था और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता था। इसने अपने कन्फेशन में और भी अन्य जो आपूर्तिकर्ता हैं और किसको यह सप्लाई करता था उस चीज़ का भी उल्लेख किया है, जिसके लेकर हम लोग फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सहनवाज उर्फ सन्नी जो खटाल है, इसका काफ़ी पुराना इतिहास रहा, आपराधिक इतिहास रहा है। अभी तक जो हम लोग 6 आपराधिक इतिहास इसका हम लोग प्राप्त किए हैं, इस और भी कई सारे हैं इसमें। ये पूर्व में 4-5 दफ़ा जेल भी जा चुका है। ईद को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बुधवार को समीक्षा भवन में SSP की अध्यक्षता में सभी थाना अध्यक्ष एवं शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शांति समिति के सदस्यों को कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में शामिल सभी थाना अध्यक्ष को शांतिपूर्ण माहौल में ईद त्योहार मनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती रहेगी, इसको लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। SSP के निर्देश पर CTSP के नेतृत्व में दर्जनों इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया, जहां पर लोगों से भी बातचीत की गई। मामले को लेकर CTSP राज ने बताया कि त्योहार के दिन किसी भी तरह की गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस एवं अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। त्योहार में हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ईद को लेकर भागलपुर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद है कि शांतिपूर्वक ईद मनाएंगे और भाईचारे का जो पैगाम है इसको प्रसारित करेंगे। अब जहाँ तक पुलिस की तैयारियां संबंधित है, हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को कल भी हम लोग घूमे हैं, जहाँ जहाँ पे जो मेजर ईद का ये लगे लोगों के द्वारा जो नमाज अदा की जाएगी, तो हम लोग जगह को देख लिए हैं और वहाँ पे डेपुटेशन भी रहेगा, फोर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट भी रहेगा। हम लोग को 2 कंपनी भी मिली है इसमें, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, QRT भी जो बना रहे हैं इसमें। और पूरे एहतियातन के तौर पर हम लोगों ने अनुमंडल स्तरीय शांति समिति और थाना स्तरीय शांति समिति हो गया है। आज जिला स्तरीय शांति समिति का भी इसमें जो आज बैठक रखा गया है और सभी तरह से शांति से ईद पर मनाया जाएगा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो CTS में नमाज पढ़ी जाएगी क्या? जी बिल्कुल, CTS में जो पूर्व से जो नमाज अदा की जा रही है वो नमाज पढ़ी जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के नौगछिया में लोकसभा आम निर्वाचन को भयमुक्त, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु नौगछिया पुलिस दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी बाबत गोपालपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौधरी व SDF की टीम के साथ सनहा सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु लतरा गांव के रणवीर यादव उर्फ राणा यादव के घर के पास पहुंचे। जैसे ही पुलिस बल द्वारा घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया तो 2 युवक छत से कूदकर भागने लगा। तभी तलाशी के क्रम में गोलू कुमार के कमर से 1 लोडेड
देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और शिवम कुमार के पैकेट से 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उक्त दोनों अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के तहत कांड दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी घटना तिनटंगा देरा क्षेत्र में 2 व्यक्ति हथियार लहराते हुए किसानों की फसल लूटने की धमकी दे रहा था। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगा, तभी पुलिस द्वारा पीछा करने पर संजीत मंडल गिर गया और रंजीत मंडल भागने में सफल रहा। तलाशी के दौरान अभियुक्त संजीत मंडल के कमर में कपड़े का बंधा हुआ एक बिंडो लिया, जिसमें 14 जिंदा कारतूस व 1 लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत कांड दर्ज कर तिनटंगा कराली निवासी संजीत मंडल को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नौगछिया पुलिस अधीक्षक पूरन झा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। अपराधकर्मी ने दुकानदारों से रंगदारी मांगी थी, इसी क्रम में एक मुर्गा दुकान से मारपीट की गई एवं मुर्गा फ्री ऑफ कॉस्ट लिया गया। इस क्रम में जब थाना अध्यक्ष गोपालपुर श्री मिथिलेश कुमार जी को सूचना मिली तो उन्होंने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में लतरा गांव से गोलू कुमार एवं शुभम कुमार को 1 कट्टा एवं 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी के अलावा तिनटंगा दियरा में कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा फसल काटने को लेकर किसानों से रंगदारी मांगी जा रही थी। इस क्रम में आज सुबह जब थाना अध्यक्ष गोपालपुर श्री मिथिलेश कुमार जी ने छापेमारी करी तो मुख्य रूप से संजीत मंडल एवं रंजीत मंडल इस तरीके की रंगदारी मांग रहे थे। संजीत मंडल को 1 कट्टा एवं 15 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी होते ही रंजीत मंडल वहां से भाग गया था। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है सर? जी, इन लोगों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। किनसे रंगदारी मांग की गई थी? यह वो लोग जो तिनटंगा दियरा में किसान हैं, फसल अभी कटने का समय है जैसा आपको पता है, तो कटती फसल से ये लोग किसानों से रंगदारी मांग रहे हैं। भागलपुर की नौगछिया पुलिस जिला में भी मतदान 85% करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी बाबत नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में बिहपुर व गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र हैं। हम सभी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए हम लोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। इसमें जीविका, शिक्षा विभाग, विकास मित्र व अन्य विभाग के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र के बूथ पर मतदान 85% से भी अधिक। आज आप सभी जानते हैं कि इस अनुमंडल में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, गोपालपुर और बेहतर। मतदान का समय नजदीक आ गया है, 26 अप्रैल को ही मतदान निर्धारित है इस भागलपुर संसदीय क्षेत्र में। तो हम लोग सभी पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं। तो बेहतर विधानसभा के ये आरोप जिला मैडम है, हमें तो 53 गोपालपुर देखते हैं। तो चुनाव की तैयारी चल रही है, हम लोग का प्रशासन था या पुलिस प्रशासन है या हम लोग, सभी का एक ही लक्ष्य है कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वच्छ वातावरण में ये चुनाव संपन्न हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भागलपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में विगत चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा था, जो राज्य का औसत था उसके आसपास था। तो हम लोग जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय हैं या जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया मिशन 85। मिशन 85 पर अभी हम लोग का सबसे अधिक फोकस है। उसके तहत हम लोगों की कोशिश है और आप लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग के चैनल के माध्यम से इन लोगों तक के पहुँचे कि 85% कम से कम मतदान हो भागलपुर संसदीय क्षेत्र में, और जिसमें गोपालपुर और बिहार विधानसभा अग्रणी रहे, यही हम लोग का है। इसकी तैयारी कर रहे हैं सर, जो जिला प्रशासन की विभिन्न एजेंसियाँ हैं, वो तो पुलिस प्रशासन हो, जीविका हो, शिक्षा विभाग हो, विकास मित्र जो स्थानीय क्षेत्र पर है, कल्याण समाज कल्याण विभाग के सभी विभागों के लोग उसमें लगे हुए हैं। मतदान केंद्र पंचायत वाइज हम लोग प्रत्येक दिन हर जगह कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और आप लोग भी उसको देख ही रहे हैं। टोटल कुल मतदान केंद्र कितने हैं दोनों विधानसभा में? दोनों विधानसभा मिलाकर टोटल मतदान केंद्रों की संख्या 516 है। सभी मतदान केंद्र पे बिजली पानी सभी व्यवस्था है? अभी जो है 153 गोपालपुर में 6 मतदान केंद्रों पर बिजली की समस्या है, उसके लिए विद्युत विभाग से संपर्क करके हम लोग उसको करवा रहे हैं। और ये अगले 4 से 5 दिनों तक में जिन मतदान केंद्रों पर बिजली पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगा,
और अभी जो मौसम देख रहे हैं 26 अप्रैल को चुनाव है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो एक तो है सभी मतदान केंद्रों पर शेड की व्यवस्था किया जाना कि जो ऐसा ना हो कि धूप के कारण लोग घरों से नहीं निकले और मतदान प्रतिशत कम हो जाए। तो हम लोग की कोशिश है, हम लोग उस पर लगे हुए हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर जगह की कमी है, बरामदा कम है, खाली कमरे नहीं हैं, या जो पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, मदरसा, इन जगहों पर मतदान केंद्र होते हैं, अमूमन वहाँ जगह की कमी होती है, बरामदा वगैरह नहीं होता है, तो प्राथमिकता के आधार पर या चलंत मतदान केंद्र, जयपुर विधानसभा में कोई चलंत मतदान केंद्र है,